देखो आप सभी किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दोस्तों पियर पहले ही बन गए थे, अब पियर कैप का काम किया जा रहा है, सेटिंग लगी हुई है। तस्वीरें आप लोग देखो दोस्तों, देखो किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दोस्तों सेटिंग लगी हुई है, पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और पियर कैप जैसे ही बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। और यहां से राइट में जाएंगे तो सादरा और लोनी के लिए चले जाएंगे, तो हमें लेफ्ट में चलना है यानी कि बागपत के लिए दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देखो क्या ही अद्भुत। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। ये देख सकते हो ये ग्राउंड लेवल पे अभी चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एलिवेटेड हिस्सा। तो देख सकते हो ये वाला रैंप आ जाता है आगे, आप लोगों को ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये अंडर पास बनाया हुआ है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, आगे अंडर पास आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, तो आगे का आपको एलिवेटेड हिस्सा दिखाते हैं चल के। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक दोस्तों। दोस्तों यहाँ से ये रैंप ख़त्म हो जाता है, यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर देखो ये लास्ट वाला पिलर बचा हुआ है पियर कैप के लिए, और बाकी तो इधर के बना दिए जा चुके हैं। देखो सारे पियर कैप बन चुके हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को सेटरिंग लगी हुई दिखाई देगी, और वहाँ पर पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। आगे ये पावी पुस्ता ख़त्म हो जाएगा, तो दिखाते हैं कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा दोस्तों। यहाँ से ये एलिवेटेड स्टार्ट हो जाता है, और ये पता है कहाँ पर जाके ख़त्म होगा एलिवेटेड हिस्सा, ये जाकर होगा मंडोला बिहार के सामने दोस्तों। मंडोला बिहार जो परियोजना है वहाँ पर जाके ये एलिवेटेड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ पर आपको रैंप का हिस्सा देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देखो, देखो सेटिंग लगी हुई है, और किस तरीके से यहाँ पर पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। इतने बन गए हैं, देखो ये वाले पिलर अभी बचे हैं पियर कैप के लिए, आगे वाला पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस पर सेटिंग लगी हुई है दोस्तों, सेटिंग लगा दी है। अब इस पर सरियाओं का जाल बनाया जाएगा पियर कैप का दोस्तों, उसके बाद में इसको कंक्रीट से भर दिया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ये पावी पुस्ता बिल्कुल यहाँ पर आके एंड हो जाता है दोस्तों, ये एंड है पावी पुस्ता का। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर राइट में हम जाते हैं तो चले जाएंगे सादरा लोनी के लिए दोस्तों, और हमें यहाँ से चलना है लेफ्ट में, और लेफ्ट में हम चलेंगे कहाँ, बागपत बॉर्डर के लिए यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत आप सभी के बीच लाता रहता है, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों, और जिन मतलब कि जिन शहरों से होकर गुजरेगा दोस्तों, उन शहरों के नाम पता है आपको, नहीं ना तो बता देते हैं चलो। पहला है दिल्ली, दूसरा है बागपत, बड़ौत, सांबली, सहारनपुर, और एंड में आ जाता है दोस्तों देहरादून। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि इस रूट का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इसकी लेंथ है 210 किलोमीटर की, और ये बनाया जा रहा है दोस्तों, जो इसकी कॉस्ट है वो है 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है दोस्तों। अभी तो इसमें आप लोगों को जब नहीं बनाता तब इसमें से 5 से 6 घंटे लगते थे दोस्तों, और अब इसके बन जाने से दोस्तों मात्र 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दोस्तों। बहुत ही फास्ट ये एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों, आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि के पी संत के चैनल पर दोस्तों अब
ग्रीन फील्ड एरिया भी देखने के लिए मिलेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। और मैं दिखाता रहता हूँ और आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, और तस्वीर आप लोग देख सकते हो। हाई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ फ्लोर वर्क किया जा रहा है। इस पर तो फ्लोर वर्क हो चुका है, तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान कंस्ट्रक्शन चल रहा है नीचे ग्राउंड लेवल पे, इस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे आई गटर को एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों कनेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इसमें सेटिंग लगाई जाएगी। सेटिंग लगा के देख सकते हो, पहले तो ये आई गटर्स को जोड़ते हैं आपस में, देखो स्टार्टिंग में भी जोड़ते हैं, बीच में भी जोड़ते हैं, उसके बाद में फिर इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाता है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये हैवी क्रेन मशीन्स खड़ी हुई है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों आई गटर को लॉन्च किया जाता है और ऊपर रखा जाता है इस पियर कैप के ऊपर दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है पर डे, आप लोगों को अपडेट देता रहता है दोस्तों। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे क्वालिटी के साथ में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो कोशिश मेरी यही है, देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ अलग टाइप का ये पियर है जिस पर ऊपर ही इसमें बिंग्स को ऐड किया जाएगा दोस्तों। सेटिंग देखो ये लगा दी है, मतलब लोहे के पिलर खड़े कर दिए हैं साइडों में, अब इन पर जोड़ने का काम किया जाए, जो इसके बिंग्स आएंगे उठ के यार्ड से वो यहाँ पर जोड़े जाएंगे यानी कि चिपकाए जाते हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्या ही अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के। बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, और सन 2024 के दिसंबर में दोस्तों इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर NHAI ने इन कंपनियों को भाई साहब डंडा दे रखा है कि बहुत तेज़ी के साथ में हमें इसका काम कम्प्लीट करके दो, इसलिए भाई साहब दिन रात कंपनियां लगी पड़ी हैं यहाँ पर। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है सीगल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। तो दिखाते हैं, चलिए एंजॉय कीजिए आप सभी।
पीछे आप सभी ने देखा तो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को ज्वाइंट किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर ये पियर कैप बनाए जाएंगे, कितने पिलर बचे हुए हैं तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो अभी मतलब कि रेनी सीजन चल रहा था, बरसात का मौसम चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर ये काम स्लो हो रहा था दोस्तों, इसी वजह से। अब देखो रेनी सीजन ख़त्म हो गया है तो अब तेज़ी पकड़ रही है काम ने दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है सामने, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर सेटिंग लगाई है और सेटिंग लगा के ये पियर कैप को बनाया जा रहा है दोस्तों। पहले यहाँ सरियाओं का जाल बनाएंगे, फिर उसके बाद में कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, पियर कैप बन जाएगा। और जैसे जैसे पियर कैप बनते जा रहे हैं वैसे ही वैसे दोस्तों आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, तो आप सभी इंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। आप सभी ने देखा दोस्तों, देखा पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किस तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये मंडोला बिहार परियोजना आ चुकी है और यहाँ पर भी देख सकते हो ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च कर दिया है। देख सकते हो आप लोग जो रैंप वाला हिस्सा है वही बचा हुआ है एक पिलर। और ये दोस्तों ये बनाया जा रहा है क्या, रैंप बनाया जा रहा है उतरने चढ़ने के लिए दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर उतरने के लिए। तो इस पर चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं चल के आप सभी को कि ऊपर के क्या नज़ारे हैं दोस्तों, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो देख सकते हो ये देखो, ये मतलब कि ये रैंप बिल्कुल बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर बीच के डिवाइडर भी बना लिए हैं, साइड के डिवाइडर भी बना लिए जा चुके हैं दोस्तों। देखो अब इस पर लैंडमार्किंग की जाएगी और अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगाए जाएंगे दोस्तों। और खंभे लग जाने के बाद में तो अभी ऊपर आप लोगों को दिखाते चल के कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों।
अब देख सकते हो आप सभी बिल्कुल रैंप के टॉप पर मैं पहुंच चुका हूं। तस्वीरें देख सकते हो, उधर तो बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर देखो ये कंक्रीट पड़ा हुआ है और जो मैंने अभी उधर से नीचे से पिलर दिखाया था ना, मतलब कि बिल्कुल इसके किनारे पे ही पिलर है। और देखो किस तरीके से यहाँ पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, मतलब कि हाई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च तो कर दिया है दोस्तों, लेकिन अब फ्लोर वर्क स्टार्ट हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, वो टीम आप लोगों को नजर आएगी। और ये बारे पिलर जो राइट हैंड पे देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को, ये नीचे उतरने के लिए है रैंप के नीचे दोस्तों। देखो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर ये पियर कैप बनाया गया है दोस्तों, और पहले पियर नहीं था, इन पे भी पियर कैप बनाया जाएगा, इनको भी अभी जोड़ा जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर ये काम किया जा रहा है किसका, इस रैंप से जोड़ने के लिए दोस्तों इस फ्लाईओवर को। तो यहीं पर आके ये एंड हो जाता है, यहाँ पर ये इसका रैंप बनाया गया मंडोला विहार परियोजना के सामने दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे किस तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों। बस यही पिलर बचा है कनेक्ट करने के लिए, तो ये भी कर दिया जाएगा क्योंकि ये पियर कैप अभी रिसेंटली में ही बना है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और आगे दिखाते चल के जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था साइडों में, वो नहीं अभी बना है, तो वो भी आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो आप लोगों को दिखाते चल के आगे, अब यहाँ पर देख सकते हो दो हिस्से तो रैंप के बन चुके हैं, तीसरा हिस्सा ये बनाया जा रहा है जिसमें मिट्टी पड़ी हुई है दोस्तों, और इसको रोड रोलर द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार सबसे पहले मैंने दिखाया था तब यहाँ पर ये काम नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि ये घर आ रहा था यहाँ पर बीच में इसको तोड़ के, और ये देख सकते हो मैंने कई आरी पैनल्स को लगा कर मिट्टी बिल्कुल भर दी जा चुकी है दोस्तों। देखो ये घर बिल्कुल आधा ख़त्म हो चुका है, और आगे वाला भी आप लोगों को आगे चल के दिखाएंगे कि आगे देखो बढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये काम ख़त्म हो चुका है, अब इसमें पता क्या है, कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी दोस्तों, फिर उसके बाद में डीबीएम की लेयर डाल दी जाएगी। तो इधर तो ये मिट्टी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें बस कंक्रीट की बस लेयर डालनी है, और फिर उसके बाद में इसमें डीबीएम की लेयर चढ़ा दी जाएगी दोस्तों। अब जो आगे वाला पार्ट है वो भी आप लोगों को दिखाते, कि आधा घर तो ख़त्म हो गया है भाई साहब, इस घर वाले को बहुत मोटा पैसा मिला होगा क्योंकि रोड के बीचा बीच में आ रहा था इस वजह से दोस्तों। हाँ दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और जो घर इस बीच में आ रहा था ना उसे बहुत मोटा पैसा मिला होगा, इतना तो मुझे पता है दोस्तों। ये तो सर्विस लाइन है, देखो पल्ली साइड में मतलब राइट हैंड पे, और मेरे लेफ्ट हैंड पे देखो सामने ये आरी पैनल्स को लगाने के बाद में यहाँ पर ये मिट्टी डाली जा रही है। और मिट्टी पहले तो आपको लोगों को बता दूँ, ये आरी पैनल्स लगाते हैं, उसके बाद भी ये कंपोजर लगाया जाता है दोस्तों, ताकि मिट्टी बाहर ना जा सके और ना पानी अंदर आ सके, इसलिए कंपोजर लगाया जाता है आरी पैनल्स पे। फिर उसके बाद में ये मिट्टी डाली जाती है, और मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों ये बेल्ट लगाई जाती है आरी पैनल्स को रोकने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही ये काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देखो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी नई वीडियो के साथ में, आप सभी से इंजॉय कीजिए इस